इस टेम्पल से राइट साइड ही आपको देखने को मिलेगा आरके ओडीपी टू मुंबई फूड कोर्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो ये है दोस्तों, ये है कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा तुरंत ही। तो चेयर्स वगैरह ऐसे लगी हुई है यहाँ। तो ये देखिए सीन अंदर का, शाम होते ही दिन का सीन आपको अलग देखने को मिलेगा और रात का बिल्कुल अलग मिलेगा। मैनेजर साहब, इनसे कुछ पूछा जाए तो इस काउंटर पे सर क्या क्या मिल जाएगा? जूसस मिलेगा, मिल्कशेक मिलेगा, फलूदा मिलेगा। इस गेट से हम लोग अंदर आए थे दोस्तों, यहाँ दिखाने के लिए इतना कुछ है। जैसे कि आपने पीछे टेम्पल देखा और इधर कुछ स्टैचूज देख रहे हैं पीछे साइड, ये देख। तो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फाइंडिंग सूरज ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूं ललिता घाट, वहां पर जो विश्वनाथ कॉरिडोर का फेज टू वाला एरिया है, वहाँ पर एक नया फूड कोर्ट ओडीपी टू मुंबई खुला हुआ, जो बेहद ही आकर्षण का केंद्र है, बहुत ही खूबसूरत है, अंदर साइड में ही है और आप जानते हैं कि बहुत ही एडवांस वो बना हुआ है और इतने टूरिस्ट पर्यटक हमेशा वहाँ जाने जाना लगातार उनका लगा रहता है। तो आज हम लोग उसी पे ब्लॉग ये बनाएंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इसकी ओपनिंग हुई है और हम लोग भी इसी इरादे से आज हम लोग आए हैं इसका ब्लॉग बनाने के लिए, तो आप लोग भी देखिएगा। तो दोस्तों, आपको बताते चलो इस टेम्पल के बारे में जहाँ मैं खड़ा था। यह है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो मैंने इस पर एक ब्लॉग बनाया था, आप लोग जाके देखिएगा। ये वही टेम्पल है विश्वविख्यात, जो इटली का जो पीसा का झुका हुआ मीनार है उससे 9 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ है। बहुत ही करीब 500 साल पुराना इसका इतिहास है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। शाम हो चुकी है, लाइट्स ऑन हो गया है घाटों का और एक अलग सा ही शाम होते ही सीन बन जाता है यहाँ का। नाव आप देख रहे हैं पूरा ब्लू कलर का, ये जो आसमान है उसकी वजह से इस तरीके का रिफ्लेक्शन बनता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं जिस घाट पे हूँ वो सिंधिया घाट है, इस टेम्पल के पास जो पीछे है वहाँ खड़ा था और मणिकर्णिका होते हुए ही हम लोग ललिता घाट कॉरिडोर की तरफ पहुँचेंगे। आसपास काफ़ी मतलब फेमस जगह है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको बताते जा रहा हूँ। हालांकि इसको बनाने का कोई मतलब ऐसा था नहीं। इस वीडियो में ये जो क्लिप है इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि जिस लोकेशन पर हम लोग जा रहे हैं शमशान घाट के जस्ट सटा हुआ ही है, इसी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे मणिकर्णिका घाट से भी, जिससे आने वाले लोगों को लोकेशन का सही मतलब पता चले कि ये है मणिकर्णिका और यहाँ से जस्ट बगल में ही मैंने कोई वीडियो स्किप नहीं किया, ये है ललिता घाट, इसी वजह से मैंने इसको वीडियो में डाल दिया था। पीछे है मणिकर्णिका घाट का सीन, लेकिन जिस जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये ललिता घाट कॉरिडोर वाला रास्ता है और इसी ऊपर जाने पर हम लोगों को ये ऊपर साइड है, ये जो बेहद खूबसूरत सा गेट लग रहा है आधुनिक समय का, इसी के अंदर होते हुए हम लोग ओडीपी रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ का वीडियो आप लोगों को मैं बना के दिखाऊंगा। उससे पहले थोड़ा बाहर का सीन थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है शाम के टाइम का। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह है ये, आप फैमिलीज़ के साथ आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप बोट राइडिंग का भी इंजॉय ले सकते हो, देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं अपने फ़ोटोज क्लिप और जो भी यूट्यूब पे हैं इंस्टा पे हैं सभी लोग यहाँ रील्स वगैरह बनाते रहते हैं। आपको 24 घंटे मिल जाएंगे जब तक ये खुला रहता है। पीछे साइड में ये गेट, हम लोग चलेंगे अंदर साइड तो फिर इसको कैप्चर करेंगे जो हम लोग का आज का टॉपिक है। गेट की तरफ मैं चल रहा हूँ। एंट्रेंस गेट, अब हम लोग चलेंगे अंदर। तो ये देखिए सीन अंदर का, शाम होते ही दिन का सीन आपको अलग देखने को मिलेगा और रात का बिल्कुल अलग मिलेगा। बेहद ही साफ सुथरा, आप यहाँ पर सो भी सकते हो बड़े आराम से।
इस गेट से हम लोग अंदर आए थे। तो आज जो टॉपिक है ये रेस्टोरेंट के ऊपर है, जो ऊपर साइड में है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है हम लोगों को इस पर है। और ये जो परिसर के अंदर का है इसको बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, इसीलिए इसका डिटेल में अलग एक ब्लॉग में बनाऊँगा। इसको देखिएगा आप लोग। भी है, एक्सेलरेटर भी है, उससे मैं आया ऊपर साइड में। और आते ही हम लोगों को ये फूड कोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए पहला सीन। तो अभी तो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, पास में चलते खाता हूँ। भीड़ देखिए ज़रा सा, इतना ज़्यादा स्पेस है कि इतने सारे लोग आने के बावजूद भी तो साफ़ सुथरा है, ये कोई दिक्कत है नहीं। इस टेम्पल से राइट साइड ही आपको देखने को मिलेगा आरके ओडीपी टू मुंबई फूड कोर्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो ये है सीन बाहर का। दोस्तों यहाँ दिखाने के लिए इतना कुछ है, जैसे कि आपने पीछे टेम्पल देखा और इधर कुछ स्टैचूज देख रहे हैं पीछे साइड ये देख। तो इस तरह से यहाँ बनाने लायक मतलब बहुत कुछ है और बताने लायक भी बहुत कुछ है, लेकिन केवल तुरंत ही इसको नहीं बताया जा सकता। इसीलिए मैंने कहा कि एक अलग ब्लॉग में पूरा टोटल डिटेल इस बारे में बताऊंगा, कौन क्या कहाँ है, कब ओपनिंग होता है, कब खुलेगा। अभी तो ये फूड कोर्ट सुबह ही खुल जाता है, रात के करीब 9-10 बजे तक खुलेगा ही। रास्ते हैं एक उधर साइड पीछे साइड से है और एक इधर साइड से है। नए रेस्टोरेंट में टोटल 7 काउंटर हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जो यहाँ पर मेन्यू में उपलब्ध है खाने पीने के लिए। लोगों को कैसा लग रहा है इस जगह पर काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है इधर काम करके। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंट्री करते हैं जहाँ से एक नंबर शुरू होता है काउंटर, यहाँ से। दोस्तों ये है कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा तुरंत ही। कुछ चेयर्स वगैरह ऐसे लगी हुई है यहाँ। तो लोग अपने एंजॉय कर रहे हैं इस समय को। तो टोटल 7 काउंटर है, उनमें एक नंबर पे कुछ ये सीन रहेगा आपको देखने को मिलेगा। तो ये है ग्लोबल बेक्स, यहाँ आपको पेस्ट्री केक बिस्किट वगैरह देख खाने पीने को मिलेगा। सभी दुकानों पे बहुत ही हलचल है, अच्छा खासा। यहाँ पानी पूरी, चाट, गोलगप्पे वगैरह। काउंटर नंबर 3 में ये सीन रहेगा आपको देखने को मिलेगा। फ्रूट्स, फ्रूट जितने भी है यहाँ पर, तरह तरह के फ्रूट, बहुत ही साफ सुथरा है। आप देख सकते हो लोग लगे हुए हैं खाने पीने के लिए, सामान के लिए। मैनेजर साहब, इनसे कुछ पूछा जाए तो इस काउंटर पे सर क्या क्या मिल जाएगा? जूसस मिलेगा, मिल्कशेक मिलेगा, तो सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, तमाम ऐसे काउंटर है जहाँ पर लोग अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी है। कुछ ये सीन है हर जगह का, काफ़ी फ्रेंडली माहौल है हर जगह का, बहुत लोग अच्छे से हंस बोल के लोग मिल रहे हैं। तो ये है काउंटर नंबर 5 का ये सीन था। ये काउंटर नंबर 6 की, तो काउंटर नंबर 6 में आपको स्वीट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा। और हर एक आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से इसको बनाया गया है। अब लास्ट में आता है यहाँ पर पानी, हैंड वॉश, पेप्सी, कोक, ड्रिंक, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी 7 नंबर काउंटर पे। ये मेन्यू लिस्ट यहाँ पर, जहाँ आपको कैश काउंटर मिलेगा देखने के लिए। ये था सीन आपका ओडीपी फूड कोर्ट का। और हम लोगों ने देखा किस तरीके का यहाँ व्यवस्था है, काफ़ी लोग फ्रेंडली है यहाँ के स्टाफ वगैरह। और लोग बहुत ज़्यादा मतलब आ रहे हैं, अभी रात के करीब 7:30 बज रहा है और इसके बावजूद भी कोई कमी है नहीं यहाँ पर। यह नया नवेला फूड कोर्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर के अंदर बना हुआ, और इस तरीके का आपने देखा कि बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बहुत कुछ खाने पीने के लिए है। तो इस पर मैंने आज का ये ब्लॉग बनाया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।